हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आरएस पांडा भाई यूट्यूब चैनल में। तो यार फटाफट से यहाँ के डब्बे ओपन कर लेते हैं, क्योंकि यार लोबी में एक भी डब्बा नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से भाई यहाँ के डब्बे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो पील के डबल्स मिल चुके भाई, बढ़िया। यार देखो, पील को यार मेरे को 17 लेवल पर करना है बहुत ही जल्द। ठीक है, तो यार वेट करो भाई, पील को अपन 17 लेवल पर करेंगे। ठीक है, और किसी एक कैरेक्टर को हम 18 लेवल पर भी करने वाले बहुत ही जल्द। ठीक है, तो भाई तुम सपोर्ट दिखाते रहो, फटाफट से लाइक का बटन दबा दो जल्दी। ठीक है, लाइक का बटन दबाओ फटाफट। और यार डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का भी लिंक है ना, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो यार अपना सर्वर है ना, और मेरे को डीएम कर देना वहाँ पे, ताकि मैं तुम लोगों को क्लैन में ज्वाइन कर पाऊँ ना। क्लैन वॉर अपना आने वाला है, क्लैन वॉर से पहले मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर दूँगा फटाफट से भाई। तो मेरा डिस्कॉर्ड पे पहले मेरे को मैसेज कर दो। ठीक है, तो डिस्कॉर्ड में यार मैंने जो मतलब सर्वर का लिंक है ना वो मतलब दे रखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो फटाफट से भाई ज्वाइन कर लो, और कुछ इशू आया तो मेरे को बता देना। मतलब बहुत बंदे मेरे को बोलते हैं कि ना इशू आ रहा है, मतलब है ना, तुम समझ सकते हो भी किस बात की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि वो लिंक एक्सपायर हो जाती है भाई, है ना। तो मैं दोबारा से तुम्हें अगेन सेंड कर दूंगा। यहाँ पे देखो, अपने अर्ल के वैम्पायर थी तो भाई 12 लेवल के हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और तुम लोग देख सकते हो भाई जुबा गेम में कितनी गिली थी यार, मतलब दोबारा से मैंने रिस्टार्ट किया है तब जाके यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। ठीक है, वरना पता नहीं यार कौन सी गिली हो चुकी थी भाई, क्रेट सी ओपन नहीं हो रही थी यार, है ना। ठीक है, तो मैंने फटाफट से भाई रिस्टार्ट किया, एंड उसके बाद भाई जो अपनी ओपन थी ना गोल्ड टूल बॉक्स, वो मेरे को लॉबी में ही मिल गया। ठीक है, ओपन के लिए, तो कोई बात नहीं, अपन ने ओपन कर लिया फटाफट से भाई। इसको रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करते हैं फटाफट से, देखो क्योंकि देखो मेरे को लेजेंडरी आइटम चाहिए। देखते हैं अभी कौन सा अपन को लेजेंडरी आइटम मिलता है यहाँ पे। ठीक है, रैंडम लेजेंडरी आइटम निकल सकता है वैसे कोई सा भी, है ना। बस देखो यार, मतलब मेरे को सबसे बेकार जो लगते हैं ना, बैंडेज और यार अपनी हैप्पी ट्रीट्स। ठीक है, कि देखो यार मतलब इन दोनों चीज़ों का कोई यूज़ भी नहीं है। ठीक है, मैं करता भी नहीं वैसे, मतलब बहुत बंदे करते हैं यार, है ना, पर मैं नहीं करता, पता नहीं क्यों, मतलब समझ सकते हो तुम, है ना, पर बेकार बना दिया यार इन लोगों ने। मतलब इन दोनों आइटम्स को भाई लेजेंडरी बनाना नहीं चाहिए था, ये नॉर्मली सही थे, पता नहीं इन लोगों ने भाई इनको लेजेंडरी क्यों बना दिया फालतू में। ठीक है, क्योंकि देखो यार यूज़लेस है भाई, कोई बंदा यूज़ नहीं करता अभी, देखना देखा तो तुम लोगों ने ना, मतलब बहुत कम बंदे होंगे यूज़ करते यार, अब उन बंदों की तारीफ नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो फटाफट से भाई रैंडम आइटम को ओपन करते हैं अभी फटाफट, रुको, गोल्ड टूल बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं। और भाई अपन, अरे यार मतलब बढ़िया यार, मतलब अपना मोल्टोबम यार मैक्स हो चुका एकदम बढ़िया। ठीक है, फटाफट से इसको करते हैं भाई, गजब भाई दिमाग ख़राब हो चुका है पूरा यार, इतना बकवास आइटम, जो कि मेरे को सबसे बकर पूरे जुबा में यही लगता है। तो लेजेंडरी आइटम्स में से बोला है भाई मैंने, ठीक है, लेजेंडरी आइटम्स में से सबसे बेकार मेरे को वही लगता है ना, क्योंकि देखो हैप्पी ट्रीट्स और अपने बैंडेज को मैं लेजेंडरी आइटम नहीं मानता। ठीक है, तो भाई पाको लगा लिया, पाको वाले कमेंट्स भी दिखा देता हूँ। तो यार ये अपने सारे पाको वाले कमेंट्स, ठीक है भाई, आ चुके हैं पाको के साथ। देखो मतलब बहुत बंदे ये करते हैं भाई, लेट कमेंट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद बोलते हैं बंदे कि यार तुम मेरा कमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, क्या दुश्मनी है। तो देखो दुश्मनी कुछ भी नहीं है भाई, तुम्हारा कमेंट लेट आया, अगर देखो तुम्हारा कमेंट लेट आया तो भाई तुम ये सोच के कर सकते हो कमेंट, जो कि यार मतलब फर्स्ट बंदे ने जो कमेंट किया ना, तुम भी सेम कैरेक्टर से कर दो, ताकि तुम्हारा कमेंट भी सिलेक्ट हो जाए ना। और यार अगर तुम्हें तुम्हारे कैरेक्टर जो तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर है उसके साथ ही गेम प्ले करवाना है, तो तुम यार तुम्हें जल्दी कमेंट करना होगा भाई। लेरी को मैं किल करता यार, ये वोल्केनो ने किल करवा दिया उसको, पता देखो यार यहाँ पे ना कितना हैंग हो रहा है, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, निकल लेते भाई, क्योंकि तुम्हें पता ना डिवाइस बेकार है, बंदे आते हैं ना एक साथ तो हैंग हो जाता है ना, इसलिए भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। तो अपना क्लैन वॉर भी आने वाला है, ठीक है, उसके लिए ध्यान रखना भाई तुम लोग, है ना, क्या पता यार तुम लोगों ने मतलब क्लैन वॉर के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, मतलब बहुत बंदे सोचते हैं कि ना क्लैन वॉर में क्या ही किल करेंगे ना, तो यार तुम माइनस लगा लो भाई, है ना, मतलब बहुत बंदे तो भाई क्लैन वॉर के लिए पता क्या करते हैं, चार चार पाँच पाँच कैरेक्टर से माइनस लगा लेते हैं ना। ठीक है, तो यार देखो माइनस लगाओ ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, वैसे अभी तुम शायद बिगिनर हो ना, अगर तुम बिगिनर नहीं होते ना भाई तो तुम्हें माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। मैं तुम्हें सारे टिप्स एंड ट्रिक बाद में बता दूंगा कि मैं कौन सी ट्रिक इस्तेमाल यूज़ करता हूँ ना अपने क्लैन वॉर में, वैसे तो मेरे किल्स ज़्यादा नहीं हो पाते हैं ना, पर मैं ट्राई करता हूँ यार 1K प्लस का, लेकिन देखो मैं ट्राई करता हूँ सिर्फ, है ना, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता इतना, क्योंकि देखो जो क्लैन वॉर में अपने सबसे ज़्यादा किल्स कर सकते हैं बंदे वो ज़्यादा खेलते हैं। ठीक है, और यार मैं भी ज़्यादा खेलूँ तो मैं भी किल्स कर सकता हूँ, पर मैं है ना मैं ज़्यादा नहीं खेल पाता अभी, पर देखो क्लैन वॉर में हमें टाइम निकाल के ज़्यादा खेलना ही पड़ेगा, जैसे कि मैं भी खेलूँगा। ठीक है, मतलब जब अपना क्लैन वॉर आएगा ना तो मैं खेलूँगा। ठीक है, तो यार रुको, इस पाको से फाइट हो रही अपनी, मतलब यार मेरे पास दो ही वेपन है यार, शॉट गन भी होना जरूरी था, और ये स्टिक बीच में लगा रहा है, हेल्थ किट भी नहीं है मेरे पास यार, मतलब इसको रुको दिखाते हैं इसको फटाफट से, रुको यार, अरे भाई हेल्थ किट लेने के लिए आ गया फालतू में, पता नहीं यार इस मैच में मेरे को हेल्थ किट नसीब नहीं हो पा रही यार, है ना, मतलब हेल्थ किट होना जरूरी था, फिर भी पेटी बना दी इस बंदे की। ठीक है, एकदम सही किया, ये देखो थर्ड पार्टी वाले बंदे, भाई क्या ही बोलूँ अभी इनके बारे में, मतलब हेल्थ किट उड़ाने लगा ना यार उसमें, उस बंदे ने निशाना लगा दिया, एंड मेरी पेटी बनने वाली थी यार, क्योंकि देखो मेरे पास हेल्थ किट भी नहीं थी, तो पेटी बन चुकी है ना, कोई बात नहीं, तो चलते भाई फटाफट से लोबी में, एंड यार नेक्स्ट कैरेक्टर से खेलते हैं। ठीक है भाई, जो थर्ड पार्टी वाले बंदे होते हैं ना कुछ नहीं, ठीक है, तो फटाफट से यार नेक्स्ट कैरेक्टर लगा लेते हैं, जो कि यार नीको है ना, नीको लगा लेते हैं भाई। और यार इस हल्क नाम के बंदे को तो मैंने शायद किक कर दिया था, ठीक है, मतलब यार इस बंदे ने
किल्स कम किए थे भाई क्लैन वॉर में। तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ यार, ना स्वर्ग टाइगर जो रहने वाला अपना 400 किल्स का रहने वाला है, तुम्हें कैसे करके किल्स करने होंगे 400, नहीं तो यार किक मिल जाएगी ठीक है। तो यार हल्क नाम के बंदे को मैंने किक किया था, शायद इसने कम किल्स किए थे यार, फिर सेड हो गया। तो देख लेते हैं यार ना इस क्लैन वॉर में भी अगर ये कम किल्स करता है तो भाई परमानेंट किक कर दूंगा मैं ठीक है। मतलब इसको कभी भी मैं क्लैन में देखूंगा ना भाई ना किक कर दूंगा भाई ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखो मैंने क्लैन ओपन कर रही है, इसका मतलब है ना ठीक है यार बंदे कभी भी घुस जाते हैं, जो कि यार मतलब मेरा भाई एडिट नहीं हो पा रही है क्लैन, क्योंकि जूबा की जो गिली जाना उसकी वजह से जूबा में कुछ गिली जा चुकी है, जो कि यार ना एडिट नहीं हो पा रही है भाई, है ना एरर आ रहा है वहाँ पे, है ना ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है ना, सारे जूबा प्लेयर्स के साथ हो रहा है ठीक है। तो भाई फटाफट से इसकी लेवल कर लेते हैं 14, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास आते हैं लेवल करने के लिए, है ना। अगर तुम यार कमेंट करते हो तो मैं कर दूंगा लेवल, क्योंकि अपने पास अभी कॉइन्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, है ना। तो भाई फटाफट से अपन लेवल कर लेते हैं निको की, और जो अपना ये सोल्ड है ना इसको अपन बाद में अनलोड करेंगे ठीक है। तो 14 लेवल काफ़ी है अभी, है ना। तो इसको यार थोड़ा सा रुको, सोल्ड गन को भी अपन थोड़ा सा खोल लेते हैं इसको भी ठीक है। और यार अपना मतलब कमेंट्स भी दिखा देता हूँ मैं फटाफट से। तो यार अपने निको वाले कमेंट्स और दे सकते हो तुम लोग, है ना, अपन को लेवल अप करने के लिए बोला है ठीक है। तो भाई कर लेते हैं फटाफट से लेवल अप, ने कर लिए है ना, यहाँ से इनको भी इंक्रीज कर लेते हैं। देखो उसका सोल्ड अपन बाद में अनलोड करेंगे ठीक है, थोड़े कॉइन्स और इकट्ठे होने तो अपने पास, क्योंकि यार देखो मैं नहीं चाहता यहाँ पे 2 मिलियन से यार थोड़े कम दिखे थे ना, मत अच्छा लगता है यार दिखने में ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो फटाफट से भाई निको से गेम प्ले स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो यार मतलब है ना अपन मतलब मेरे पास ना भाई बहुत बंदे हैं ना जिद करते क्लैन में आने के लिए, है ना, मतलब जिनको मैं किक कर चुका हूँ ठीक है। अब देखो उनके क्लिक्स ना बहुत ही ज़्यादा कम थे यार ना, इसलिए मैं क्लैन में नहीं लेना चाहता उन लोगों को, पर भी फिर भी बंदे ना मतलब जिद कर रहे हैं ठीक है। अभी देखो यार तुम लोगों से भाई किल्स तो होती नहीं है यार, मैं बोल रहा हूँ ना इतने कम किल्स के लिए, फिर भी देखो अब देखो मेरे पास भाई 400 का टारगेट है ना ठीक है। जो भी भाई कंप्लीट कर सकता है वो क्लेन में रह सकता है ठीक है, इंडिया जिससे नहीं होता वो लीव कर सकता है, या फिर ना जो भी न्यू मेंबर ऐड होना चाहते हैं भाई 400 किल्स या फिर 400 किल्स से ज़्यादा ठीक है, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो क्लेन को। मेरे को डिस्कॉर्ड में मैसेज करो ना, कमेंट में मेरे को बता देना बस यार ये कि ना तुम किल्स कितने कर सकते हो। अगर मुझे लगा कि यार ये बंदा किल्स ज़्यादा कर सकता है तो उस बंदे को भाई कैसे भी करके अपन क्लेन में ले लेंगे ना ठीक है। हाँ भाई उस वाले बंदे के लिए मैं फ्री हो जाऊँगा ठीक है, मतलब उसको कैसे करके हम क्लेन मेड करेंगे ना। क्लेन वॉर अपना आने वाला है कल परसों अपना, सॉरी परसों अपना क्लेन वॉर है ना फ्राइडे को ठीक है। फ्राइडे को अपना क्लेन वॉर है, बार बार मत पूछना कि क्लेन वॉर कब है, क्लेन वॉर कब है, फ्राइडे को स्टार्ट होता है ठीक है। तो समझ जाओ अभी तुम्हें ना प्लेयर्स को लेडी को मारते हैं यहाँ पे ना भाई, ये ना लेडी सबसे बेकार लगती है मेरे को लूट के मामले में, ये मतलब यार इतनी लुटेरी लेडी थी ना भाई, सबसे बता रहा हूँ मैं ना मैक्स और ये भाई लुटेरे कैरेक्टर ये सब है ना, मैक्स लेडी और अपनी निक्स, ये तीनों कैरेक्टर भाई लुटेरे एकदम लुटेरे है ना, मतलब कुछ भी लूट के भाग जाते हैं ये, जो कि यार बेकार है फिर है ना। लेडी दूर से खींच लेती है, मैक्स उठा के ले आता भाई गिरा के, है ना, पहले तो गिरा देता है भाई अपनी जेब से ठीक है, उसको उठा लेता है फिर, है ना। निक्स भी भाई फास्ट उठा लेती है वन से, वो भी ले जाती है। तो यार हैमस्टर बॉल में बैठ के बढ़िया निकल लेते हैं यहाँ से। हैमस्टर बॉल का यार मतलब है ना मेरे को कभी कभार बेकार भी लगता है, जैसे कि मैं किसी कम लेवल वाले बंदे को मार रहा हूँ, पता चला भाई बंदा है ना मतलब है ना हैमस्टर बॉल पहन के भग गया इधर से ना तो यार ऐसा बेकार लगता है फिर सीन, क्योंकि मेरे को किल्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है अभी। अपना प्रीमियम पास समन को कमिट करना है ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता यार प्रीमियम पास कमिट कर, अरे यार इसको रुको, किल तो मेरे को ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरा के लिए ना, किल चोरी नहीं होना चाहिए भाई। हाँ चलो अच्छी बात है, ये देखो मतलब थर्ड पार्टी वाले बंदे भाई, थर्ड पार्टी वाले बंदे को यार इतना बड़ा गुस्सा आता ना भाई, इनको तो मन करता भाई इनके मुँह में ना, कोई बात नहीं। तो देखो मेरी बात सुनो भाई, है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे को थर्ड पार्टी वाले बंदों पे गुस्सा आता है, मतलब यार हम फाइट ले रहे हैं ना भाई दो बंदे, उनके बीच में यार मतलब जैसे फाइट खत्म होती है तीसरा बंदा आके भाई हल्ला बोल देता फटाफट से, भले भाई सामने वाले बंदे रेडी नहीं है फाइट के लिए, अब इनसे क्या ही बोलो। हाँ तो भाई होता है यार हर गेम में होता है ऐसा। देखो ये स्टीप, ये देखो भाई क्या ही शानदार एनिमेशन है यार, मतलब ये किस चीज़ की भाई, है ना देखो कुछ पंजा टाइप लग रहा है और आँख भी है ना, तो ये आँख शायद स्टीप की लग रही है मेरे को, और ये पंजा भी शायद स्टीप का ही है। तो यार ये पंजे के अंदर आँख कैसे आई है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अगर तुम लोगों को समझ में आया तो कमेंट में मेरे को बता देना। पर वैसे यार डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यार, है ना, हो सके तो मैं मेरे घर में भी करवाऊंगा ऐसा डिज़ाइन ना, जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है, एकदम 3D लुक आ रहा है भाई, है ना। तो तुम देख सकते हो ना यार अपने रियल ग्राफिक्स एकदम सारे, जो कि मतलब अच्छे लगते हैं ठीक है, ओवर के आते एकदम, है ना, जो कि यार अपने स्क्वाड बस्टर्स वाले ब्रोबर स्टार्स वाले नहीं कर सकते ये सब चीज़ें ना ठीक है, जुबा गेम वाले ही कर सकते हैं ठीक है। क्या बात है भाई, अपने सुपर सेल गेम है ना जुबा को खरीदने के बाद यार ये पूरा कार्टून बना दे जुबा गेम को, कार्टून बना सकते हैं भाई, है ना, कार्टून वाली कंपनी है क्योंकि वो जैसे फ्री फायर वाले हैं ना वैसे ही ना ठीक है। अब तुम बता सकते हो भाई बहुत बंदों को बुरा लग रहा होगा, पर मैं बता देता हूँ यार ना सही में यार मतलब है ना कार्टून ग्राफिक्स हैं उसके ठीक है, और यार जो मतलब होते हैं ना रियलिस्टिक वो अलग होते हैं ठीक है, क्योंकि सुपर पावर्स वाली जो चीज़ें होती है ना वो कार्टून्स के अंदर ही होती है, इसलिए बोल रहा हूँ ठीक है। मैंने भाई पूरी चीज़ें देखी एकदम इन्फॉर्मेशन लेके वीडियो बता रहा हूँ मैं, ये भाई मतलब न्यू बंदे जितने भी एड हुए हैं ना सही बता रहा हूँ मैं भाई, तुम लोग है ना मतलब किल्स ज़्यादा कर सकते हो तो क्लेन में रहना वरना मैं ना ठीक है। अरे बहुत सारे बंदे न्यू ज्वाइन हुए हैं उनके मेरे को नाम भी पता नहीं है ठीक से, है ना ठीक है। तो क्या ही बोले भाई, मैं बात भी नहीं कर पाता उन लोगों से। तो देखो यार ना कमेंट में मेरे को बता दे अगर तुम लोगों का नाम, और भाई जो बंदे हैं ना मतलब क्लेन बोर्ड में ज़्यादा किल्स करते हैं तो उनके नाम से यार मेरे को ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, मेरे को नहीं भाई सारे मेंबर्स को याद हो जाते हैं ठीक है।
तो यार अपने मैक्स वाले कमेंट्स, लव यू टू ब्रो एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। तो भाई देखो मतलब है ना, बहुत बंदे हैं जो क्लियन में यार स्टार्टिंग में ज्वाइन हुए थे। जैसे यार मैं बात कर देता हूँ दो बंदों की, ठीक है, अरसलान एंड 2019। भाई इन दोनों बंदों ने तब क्लियन ज्वाइन की थी ना भाई, स्टार्टिंग में क्या किल किए थे भाई, मेरा दिल खुश हो गया था। पर यार अब सही से नहीं खेल रहे, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो यार तुम लोग थोड़ा हौसला जगाओ ना यार अंदर, ठीक है, मतलब समझ सकते हो भी तुम, है ना। तुम्हें पता है यार दो बार क्लियन, दो बार नहीं है सॉरी, है ना एक बार अपनी क्लियन थर्ड आ चुकी है, तो अपन को इस बार ध्यान रखना है, ठीक है। इस बार भाई माइनस वगैरह जो किल्स नहीं कर सके लगा लो फटाफट से, और मैं तुम्हें टाइम भी बता देता हूँ, ठीक है। जो कि अपना क्लियन हुआ है भाई फ्राइडे को, है ना 5:30 बजे सुबह के स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सुबह के 5:30 बजे अपना क्लियन बोर्ड स्टार्ट होने वाला है फ्राइडे के दिन, है ना। तो सारे बंदे ध्यान रखने इसी बात का, जो बंदे सुबह उठ सकते हैं वो उठ जाना, है ना। क्योंकि देखो तुम्हें पता है भाई अपन को ना स्टार्टिंग से अपना जो स्कोर है ना क्लियन का, वो अपन को भाई मेंटेन रखना है। क्योंकि तुम्हें पता है ना सामने वाले क्लियन अगर अपन से भाई 1000 किल्स भी ज़्यादा कर देती है ना, तो अपनी फटती है फिर, है ना। अपन सोचते हैं कि यार अपन नहीं कर पाएंगे फिर, है ना। और वो जो क्लेन है ना वो आगे बढ़ती आती है, आगे बढ़ती आती है। क्योंकि जो आगे वाली क्लेन होती है ना उसके अंदर हौसला रहता है कि हाँ अब तो मैं ही आगे हूँ, है ना, ठीक है। वो किल्स करते आते हैं और अपन भाई पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो अपन को पीछे नहीं रहना, अपन को स्टार्टिंग से ही फर्स्ट रहना है ना भाई। अगर अपन को स्टार्टिंग से फर्स्ट रहना है तो उसके लिए कुछ ही नहीं करना होगा भाई, हमें 5:30 बजे ही खेलना पड़ेगा बहुत सारे प्लेयर्स को, ठीक है। अभी जो जो प्लेयर्स भाई 5:30 बजे खेल सकते हैं वो है ना कमेंट में मेरे को बता दे, ठीक है। तो तुम्हें कुछ ही नहीं करना भाई, या तो तुम रात को जल्दी सो जाना उस टाइम, ठीक है, रात को जल्दी सो जाना यार, है ना फ्राइडे की सुबह, है ना जल्दी उठ जाना, उसके बाद तुम खेलना स्टार्ट कर देना भाई। बहुत सारे बंदे अपने क्लैन के जैसे कि VIP हिंदू और 2-3 प्लेयर्स हो रहे हैं, ठीक है, जिनको मैं जानता हूँ, ये क्लैन वॉर के दिन भाई सुबह जल्दी उठ के खेलते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं भी ट्राई करता हूँ, पर यार मेरी नींद नहीं खुलती है, तो मैं ना कम से कम यार 6:30 या फिर ना 7 बजे तक उठ जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं किल्स करना स्टार्ट कर देता हूँ भाई। और यार देखो मेरे घर पर जब तक पापा रहते हैं ना तब तक मैं गेम नहीं खेल सकता भाई, है ना, ठीक है। मतलब समझ सकते हो तुम, बहुत बंदे समझ सकते हैं यार मेरी मजबूरी, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता यार है ना बहुत लोगों के पापा गेम खेलने देते, अलाउड नहीं करते ना, क्योंकि यार ये सोचते हैं ना कि दिन भर भाई गेम फ़ोन में लगा रहता है ना इसलिए। और तुम्हें पता है भाई गेम खेलते अपन फ़ोन को लेटा गया एकदम, ठीक है। और भाई मेरे पापा को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं फ़ोन को लेटा के एकदम कुछ भी खेलूं, क्योंकि तुम्हें पता ना यार पबजी फ्री फायर है ना जूब अपने जितने भी गेम्स हैं फ़ोन को लेटा कर ही खेलने पड़ते हैं। अभी तुम समझ सकते हो ना रोटेट करके यार, है ना। तो तुम बोलोगे कि फ़ोन को लेटा के कैसे खेलना है भाई, रोटेट करके बोल रहा हूँ मैं ना, जैसे कि अपन दोनों हाथों में पकड़ के खेलते हैं। अभी मैं ऐसे गेम्स की बात कर सकता हूँ जैसे कि कैंडी क्रश, अपना सबवे सफर, है ना, इनको तो यार अपन 1 फिंगर से भी खेल सकते हैं, ठीक है, 1 हैंड में 1 हाथ में लेके, ठीक है। अभी है ना तो इसी गेम मेरे पेरेंट्स अलाउड करते हैं मेरे को, है ना, जो कि यार मतलब और भाई जिसको ना फ़ोन को रोटेट करके खेलते हैं ना वो वाले गेम्स अलाउड नहीं करते मेरे घर वाले, पता नहीं क्यों। किसी ने ऐसा बताया कि यार जिस वाले गेम्स को अपन है ना रोटेट करके खेलते हैं ना वो वाले गेम्स से पागल हो जाते हैं। क्योंकि देखो यार मतलब बहुत सारे अपने हैं यार मतलब प्लेयर्स जो कि पागल हो चुके हैं गेम्स में ना, जैसे कि पबजी फ्री फायर में हो चुके हैं ना वैसे। अभी यार मतलब क्या ही बोलो उन लोगों का, उन लोगों की बात अलग है यार, ठीक है, उनको एडिक्शन लग जाता है एक तरफ से ना, हमें तो नहीं लगा ना भाई, हम तो ना अपने लिमिट में खेलते हैं, ठीक है। पर फिर भी यार अपने पेरेंट्स को कौन समझाए कि ना हाँ यार हमारा बेटा लिमिट में खेल रहा है, नहीं इनको तो भाई पागल हो जाएगा, रहने दे मत खेले, ठीक है। अभी भाई पबजी की यार मतलब पता नहीं क्या स्टोरी चली थी बीच में कि सब बोलते थे पागल हो रहे पबजी से, है ना, वैसा कुछ भी नहीं था यार। जो लोग खेल रहे थे ना वो भाई उनका है ना लिमिट क्रॉस कर देते वो लोग, ठीक है। अभी वो लोग खेल रहे थे भाई 12-12, 13-13 घंटा, तो यार ये तो भाई लिमिट क्रॉस हुआ है ना, इसलिए वो पागल हो चुके हैं, उनकी कोई बात नहीं भाई, उनको एडिक्शन लग चुका है बहुत गंदा वाला, ठीक है। तो कोई बात नहीं, और यार हम लोग तो लिमिट में खेलते हैं भाई, हमारा 5 घंटा नहीं हो पा रहा है यहाँ पे जुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने सारे गेम प्ले हो चुके हैं यार, जितने भी अपने कमेंट आए थे, ठीक है, और यार जिसका भी कमेंट मैं ऐड नहीं कर पाऊँ भाई। और देखो यार तुम सोच रहे होंगे भाई उस बंदे ने मेरे से ना टीम अप की थी पर मैंने उसको विनर क्यों नहीं दिया, क्योंकि यार मेरा मिशन रह रहा है ना, और मेरे को लग नहीं रहा वो सब्सक्राइबर था वो रैंडम प्लेयर था कोई, है ना। क्योंकि देखो मेरा मिशन है भाई अपन को करने मोस्ट किल पे विनर्स, ठीक है, मैं तुमको दिखा भी देता हूँ। तो यार आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मिशन देख लो यार तुम, ठीक है, एक बार ये देखो अपना मिशन।